नमस्कार साथियों, मैं कुमार मंगलम हिंदी विभाग से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण कविताओं की पाठ की, उसकी व्याख्या की और उसकी आलोचना की एक श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं। इस श्रृंखला की शुरुआत शमशेर बहादुर सिंह की कविता टूटी हुई बिखरी हुई से कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, टूटी हुई बिखरी हुई हिंदी की सुप्रसिद्ध प्रेम कविताओं में से एक है। शमशेर बहादुर सिंह की यह कविता श्रृंखला की शुरुआत, सबसे पहले इस कविता की कविता का पाठ और उसके बाद अगले श्रृंखला में इस कविता पर बातचीत, इसकी व्याख्या और आलोचना। इस श्रृंखला में हम लोग शीघ्र ही अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा निराला की जो कविता है, ऐसे हिंदी की जो सर्वकालिक महत्व की कविता है, श्रेष्ठ कविता है, उस कविता पर बातचीत करेंगे। तो इस श्रृंखला की पहली कविता शमशेर बहादुर सिंह की टूटी हुई बिखरी हुई। कविता कुछ यूं है। टूटी हुई बिखरी हुई चाय की दली हुई पांव के नीचे पत्तियां मेरी कविता, बाल झड़े हुए मैल से रूखे गिरे हुए गर्दन से फिर भी चिपके कुछ ऐसी मेरी खाल, मुझसे अलग सी मिट्टी में मिली सी, दोपहर बाद की धूप छांव में खड़ी इंतजार की ठेले गाड़ियां जैसे मेरी पसलियां, खाली बोरे सूजों से रफू किए जा रहे हैं जो मेरी आंखों का सूनापन है, ठंड भी एक मुस्कुराहट लिए हुए है जो कि मेरी दोस्त है, कबूतरों ने एक गजल गुनगुनाई मैं समझ न सका रदीफ काफी ये क्या थे, इतना खफीफ इतना हल्का इतना मीठा उनका दर्द था, आसमान में गंगा की रेत आईने की तरह हिल रही है, मैं उसी में कीचड़ की तरह सो रहा हूँ और चमक रहा हूँ कहीं न जाने कहाँ, मेरी बांसुरी है एक नाव की पतवार जिसके स्वर गीले हो गए हैं, छप 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 मेरा हृदय कर रहा है छप छप छप, वह पैदा हुआ है जो मेरे मृत्यु को सवारने वाला है, वह दुकान मैंने खोली है जहाँ पॉइजन का लेबल लिए हुए दवाइयाँ हंसती हैं, उनके इंजेक्शन की चिकोटियों में बड़ा प्रेम है, वह मुझ पर हंस रही है जो मेरे होठों पर एक तलवे के बल खड़ी है मगर उसके बाल मेरी पीठ के नीचे दबे हुए हैं और मेरी पीठ को समय के बारीक तारों की तरह खुरच रहे हैं, उसके एक चुंबन की अस्पष्ट परछाई मुहर बनकर उसके तलवे के ठप्पे से मेरे मुंह को कुचल चुकी है, उसका सीना मुझको पीस कर बराबर कर चुका है, मुझको प्यास के पहाड़ों पर लिटा दो जहां मैं एक झरने की तरह तड़प रहा हूं, मुझको सूरज की किरणों में जलने दो ताकि उसकी आँच और लपट में तुम फव्वारे की तरह नाचो, मुझको जंगली फूलों की तरह ओस से टपकने दो ताकि उसकी दबी हुई खुशबू से अपने पलकों की उनीदी जलन को तुम भिगो सको, मुमकिन है तो हाँ तुम मुझसे बोलो जैसे मेरे दरवाजे की शर्माती चूलें सवाल करती हैं बार बार मेरे दिल के अनगिनती कमरों से, हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं जिनमें वह फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती, तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ, आइनो रोशनाई में घुल जाओ और आसमान में मुझे लिखो और मुझे पढ़ो, आइनो मुस्कुराओ और मुझे मार डालो, आइनो मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ, एक फूल उषा के खिलखिलाहट पहनकर
रात का गढ़ता हुआ काला कंबल उतारता हुआ मुझसे लिपट गया। उसमें कांटे नहीं थे, सिर्फ एक बहुत काली बहुत लंबी जुल्फ थी जो जमीन तक साया किए हुए थी, जहां मेरे पांव खो गए थे। वह गुलमोतियों को चबाता हुआ, सितारों को अपनी कनखियों में घुलाता हुआ मुझ पर एक जिंदा इत्रपाश बनकर बरस पड़ा। और तब मैंने देखा कि मैं सिर्फ एक सांस हूँ जो उसकी बूंदों में बस गई है, जो तुम्हारे सीनों में फांस की तरह खाब में अटकती होगी, बुरी तरह खटकती होगी। मैं उसके पांवों पर कोई सीधा न बन सका, क्योंकि मेरे झुकते न झुकते उसके पांवों की दिशा आँखों को लेकर खो गई थी। जब तुम मुझे मिले, एक खुला फटा हुआ लिफाफा तुम्हारे हाथ आया, बहुत उसे उल्टा पलटा, उसमें कुछ न था, तुमने उसे फेंक दिया। तभी जाकर मैं नीचे पड़ा हुआ तुम्हें मैं लगा। तुम उसे उठाने के लिए झुके भी, पर फिर कुछ सोच कर मुझे वहीं छोड़ दिया। मैं तुमसे यूं ही मिल लिया था। मेरी यादाश्त को तुमने गुनहगार बनाया और उसका सूद बहुत बढ़ाकर मुझसे वसूल किया। और तब मैंने कहा, अगले जन्म में। मैं इस तरह मुस्कुराया जैसे शाम के पानी में डूबते पहाड़ गमगीन मुस्कुराते हैं। मेरी कविता की तुमने खूब दाद दी। मैंने समझा तुम अपनी ही बातें सुना रहे हो। तुमने मेरी कविता की खूब दाद दी। तुमने मुझे जिस रंग में लपेटा, मैं लिपटता गया। और जब लपेट न खुले, तुमने मुझे जला दिया। मुझे जलते हुए को भी तुम देखते रहे, और वह मुझे अच्छा लगता रहा। एक खुशबू जो मेरी पलकों में इशारों की तरह बस गई है, जैसे तुम्हारे नाम की नन्ही सी स्पेलिंग हो, छोटी सी प्यारी सी तिरछी स्पेलिंग। आह, तुम्हारे दांतों से जो दूब के तिनके की नोक उस पिकनिक में चिपकी रह गई थी, आज तक मेरी नींद में गड़ती है। अगर मुझे किसी से ईर्ष्या होती, तो मैं दूसरा जन्म बार बार हर घंटे लेता जाता, पर मैं तो जैसे इसी शरीर से अमर हूँ, तुम्हारी बरकत। बहुत से तीर, बहुत सी नावें, बहुत से पर इधर उड़ते हुए आए, घूमते हुए गुजर गए, मुझको लिए सब के सब। तुमने समझा कि उनमें तुम थे, नहीं नहीं नहीं, उनमें कोई न था, सिर्फ बीती हुई अनहोनी और होनी की उदास रंगीनियाँ थीं फकत। तो ये प्रसिद्ध कविता शमशेर बहादुर सिंह की टूटी हुई बिखरी हुई। और जब इस कविता पर बातचीत होगी, तो एक छोटी सी और कविता है शमशेर बहादुर सिंह की, एक संदर्भ के तहत मैं उसे भी इस कविता के साथ ही जोड़ करके पढ़ना चाहता हूँ। एक छोटी सी कविता जो कि शमशेर बहादुर सिंह की बहुत प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। कविता का शीर्षक है एक पीली शाम। दरअसल इस कविता को इसलिए भी मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि इन दो कविताओं के बहाने शमशेर बहादुर सिंह की का जो प्रेम जगत है और जो उनकी कविताओं के शिल्प की एक संरचना है, वह बहुत स्पष्ट हो करके पाठकों के समक्ष या जो कविता के प्रेमी हैं उनके समक्ष आती है। तो कविता है एक पीली शाम। यह भी हमारे यहाँ सिलेबस का हिस्सा है, हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, और हम लोग इसे पढ़ते पढ़ाते हैं। कविता है एक पीली शाम। एक पीली शाम पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता शांत, मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल कृष म्लान हारा सा, कि मैं हूं वह मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं वासना डूबी शिथिल पल में स्नेह काजल में लिए अद्भुत रूप कोमलता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू सांध तारक सा।
अतल में। आप सबने सुना इस श्रृंखला की शुरुआत शमशेर बहादुर सिंह की कविता टूटी हुई बिखरी हुई से हो रही है, और बोनस के रूप में एक पीले शाम भी इसमें शामिल है। अगली श्रृंखला में हम इस कविता की पाठ और व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, और आने वाले अन्य कड़ियों में आप अंधेरे में असाध्य वीणा, राम की शक्ति पूजा, मुक्ति प्रसंग, पटकथा इत्यादि जो हिंदी की श्रेष्ठ कविताएं हैं आधुनिक हिंदी की, उस पर बातचीत करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यह श्रृंखला बहुत पसंद आएगी। इस बहाने हम लोग आधुनिक कविता पर बातचीत कर सकेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।